जब युजवेंद्र चहल को T20 वर्ल्ड कप की टीम में चुना नहीं गया था तो सेलेक्टर्स ने जो रीज़न दिया था वो किसी की समझ में नहीं आया था। सेलेक्टर्स ने कहा था कि हमें वो स्पिनर चाहिए जो तेज़ गेंद फेंकते हों, जिसके बाद सब लोगों को ये लॉजिक समझ में नहीं आया कि अगर स्पिनर फास्ट बॉलर डालेगा तो वो फास्टर ना हो जाएगा। लेकिन दरअसल में सेलेक्टर्स के कहने का मतलब था वो उन्होंने चहल को इसलिए सेलेक्ट नहीं किया क्योंकि चहल ज़्यादा फ्लाइट पर निर्भर हैं, राहुल चहर को इसलिए सेलेक्ट किया है क्योंकि वो थोड़ी तेज़ गेंद डालते हैं, रोंगन्स वगैरह वो अच्छी तरह से मिक्सचर डालते हैं। लेकिन आज जब चहल ने दिखा दिया दुनिया को कि वो क्यों उनको इंडिया का नंबर वन T20 बॉलर बोला जाता है, अगर स्पिनर की बात करें या फिर ओवरऑल बात करें, इंडिया के लिए T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट चहल के नाम है। वो हर कप्तान के गो थ्रू मैन रहे हैं हमेशा से। जब भी किसी कप्तान को विकेट की ज़रूरत होती है वो चहल को बुलाता है T20 क्रिकेट में और चहल विकेट लेके देते हैं। पिछले 5 साल से युजवेंद्र चहल लगातार खेले और अचानक से T20 वर्ल्ड कप आया और उसमें कह दिया गया चहल से गुड बाय बाय बाय, आपकी जगह नहीं बनती, जो हर किसी के लिए हैरानी वाली बात रही, देखने वाली बात होगी, क्योंकि हरभजन सिंह इंडिया के लीजेंडरी ऑफ स्पिनर ने भी इस घटना पर ट्वीट कर दिया और सेलेक्टर्स पर तंज कसा। उन्होंने अपने ट्वीट में साफ मेंशन किया कि चहल ने आज तेज़ गेंदबाजी की या मंदी गेंदबाजी की, 4 ओवर में 11 रन देकर 3 विकेट लिए हैं, क्या स्पेल डाला है। उन्होंने भी याद दिला दिया कि चहल किस लेवल के बॉलर हैं और चहल को T20 वर्ल्ड कप में ना ले जाना कितना भारी पड़ने वाला है। वहीं विराट कोहली को भी सोचना होगा कि जिन चहल को टीम में लेके वो पिछले 4 साल से खेल रहे हैं, अचानक से T20 वर्ल्ड कप आता है और वही चहल टीम में नहीं है, जो उनके गो थ्रू मैन थे वही टीम में नहीं है, क्या इस टीम के साथ वो T20 वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। जाहिर सी बात है चहल सिर्फ कोहली के नहीं, रोहित शर्मा के भी गो थ्रू मैन रहे हैं जब जब रोहित शर्मा ने टीम इंडिया की कप्तानी की है, क्योंकि चहल के पास जो काबिलियत है वो हर किसी के पास नहीं है और वो है चालाकी से गेंदबाजी करने की। देखने वाली बात होगी चहल को कंसीडर किया जाएगा या नहीं, क्योंकि 10 अक्टूबर तक टीम में बड़े बदलाव हो सकते हैं। 10 अक्टूबर आखिरी तारीख है जब T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड फाइनलाइज किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया बॉलीवुड और खेल की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।